समापन करेंगे। बापसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब, उनसे अनुरोध करते हैं कि वो मंच पर आकर इस सत्र का समापन करें। साथियों, आज जो अधिवेशन का पहला दिन है और पहले दिन का पहला सत्र चल रहा है, तो इस पहले सत्र में विषय रखा गया है वो विषय है ओबीसी की जाति आधारित गिनती 2021 में करने की केंद्र सरकार की घोषणा। 2019 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी के वोट्स लेने का मुद्दा है, गिनती करने का मुद्दा नहीं है, एक चर्चा। साथियों, अभी दिसंबर का आखिरी सप्ताह चल रहा है, एक हफ्ते में 2018 का समापन हो जाएगा और 2019 का समय 1 जनवरी से शुरू हो जाएगा। 2014 में 7 मार्च 2014 से लोकसभा का चुनाव शुरू हुआ था और 16 मई 2014 को चुनाव के रिजल्ट घोषित किए गए थे। तो इसका मतलब ये है कि लगभग इसी समय पर 2019 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और पिछले 4.5 साल से हम बामसेब के लोग सारे देश भर में बामसेब संगठन के द्वारा देश भर में जो परिवर्तन यात्राएं निकाली गई, उस परिवर्तन यात्राओं के द्वारा हमने ओबीसी की जाति आधारित गिनती का मुद्दा सारे देश भर में उछाला है, सारे देश भर में इसकी हमने चर्चा कराई है। और इस चर्चा की वजह से जो ब्राह्मणों के द्वारा, आरएसएस के द्वारा एक ओबीसी के आदमी को जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, उसको उन लोगों ने नॉमिनेट किया एज ए पीएम, प्राइम मिनिस्टर। उस प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ओबीसी के लोगों के विरोध में 4.5 साल तक काम करते रहे। 4.5 साल तक ओबीसी के विरोध में जो काम चलता रहा, उसमें एक बड़ा मुद्दा है ओबीसी की जाति आधारित गिनती का। उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4.5 साल तक काम किया। कांग्रेस के लोगों ने भी ओबीसी की जाति आधारित गिनती का काम होने नहीं दिया और 2019 का समय आ रहा है और 18 में होम मिनिस्टर के द्वारा ओबीसी की जाति आधारित गिनती का मुद्दा उछाला गया और ये कहा गया कि 2021 में
ओबीसी की जाति आधारित गिनती की जाएगी। 2021 में ओबीसी की जाति आधारित गिनती की जाएगी, इसका अर्थ क्या है? इसका एक अर्थ यह है कि 2018 में गिनती नहीं होगी, 2014 में हो सकती थी, 2015 में हो सकती थी, 2016 में हो सकती थी, 2017 में हो सकती थी, 2018 में हो सकती थी। अभी भी आचार संहिता चुनाव आयोग ने लगाई नहीं। अगर सरकार चाहे 8 दिन में, 2011 में गिनती की गई थी, तो आज भी 8 दिन में सारे देश में ये गिनती की जा सकती है। 130 करोड़ लोगों की गिनती की गई थी, अभी भी 8 दिन में की जा सकती है। अगर सरकार निर्णय ले ले तो जनवरी एंड तक आचार संहिता घोषित नहीं होगी, अभी भी गिनती हो सकती है, मगर उनको गिनती करना नहीं है। और ये आश्वासन नरेंद्र मोदी के द्वारा देने के बजाय ये होम मिनिस्टर के द्वारा आश्वासन दिया गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी के वादे पर लोगों का बिल्कुल विश्वास नहीं रहा। एक वजह हो सकती है कि ये प्रधानमंत्री जो बोलता है वो एक जुमला होता है, ये जुमलेबाज प्रधानमंत्री है, और जब ये प्रधानमंत्री नहीं बना था तो उस समय सोशल मीडिया में बहुत चर्चा चली थी कि अगर सोशल मीडिया में फेकू शब्द लिखो तो नरेंद्र मोदी का नाम आता था, फेकू बराबर नरेंद्र मोदी, यानी फेंकता बहुत था। अब 4.5 साल में लोगों को मालूम हो गया है कि ये फेंकने वाला आदमी है, ये जुमलेबाज आदमी है। तो अगर इसके द्वारा 21 में जाति आधारित गिनती की बात कही जाए तो लोग कहेंगे अरे ये भी जुमला है, इस पर कौन यकीन करेगा। इसलिए ये वादा उन्होंने राजनाथ सिंह जो होम मिनिस्टर है उसके द्वारा करवाए। दूसरी बात हम लोगों को समझना है वो ये है कि 2021 में ही गिनती क्यों, जब के चंद्रशेखर राव ने, मैं जब हैदराबाद गया था तो हैदराबाद के तेलंगाना के लोगों ने मुझे बताया कि के चंद्रशेखर राव ने 24 घंटे में तेलंगाना की गिनती करवा दी। दासराम जी बराबर है ना? हाँ, दासराम जी हमारे सीनियर मोस्ट एक्टिविस्ट है। हाँ, 2015 में 24 घंटे में करवा दिया। छोटा स्टेट है, 10 जिले का था, वो भी महान आदमी 10 जिले के 30 जिले बना दिया, वो महान आदमी है। तो उसने जब बना था तो 10 जिले थे, 10 जिलों के 30 बना दिया, तो 24 घंटे में उसने गिनती करवा दी। तो सरकार के पास बहुत साधन संसाधन होते हैं, मैन पावर होता है, पैसे होते हैं, रिसोर्सेस होते हैं, वो चाहे तो 24 घंटे में करवा सकते हैं और किया। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि ये जो गिनती करने का मामला है ये करवाया जा सकता था, मगर ये उन्होंने 21 में करने की बात कही। अभी 21 में कहने करने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 19 में चुनाव हो जाएगा, और 21 में अगर बैकवर्ड क्लास के लोगों को वादा किया जाए कि हम ओबीसी की जाति आधारित गिनती करेंगे तो ओबीसी के लोग 19 में वोट देंगे, और उस वोट के आधार पर अगर बहुमत मिल गया
तो क्या होगा, बहुमत मिल गया, बोलेंगे अभी तो सरकार बन गई है, अभी क्या जरूरत है गिनती करने की, क्योंकि वोट लेने के लिए हम लोगों ने ये किया था, अब गिनती करना ही चाहिए कोई जरूरत है नहीं है, और ये 5 साल होने के बाद कोई हमें वोट देने वाला है नहीं है, इसलिए गिनती करने का कोई जरूरत नहीं है। और अगर कर भी लिया तो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करेगा, और सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करेगा और उसको बोलेगा ये जाति आधारित गिनती है, यानी धोखाधड़ी करेगा। तो इसलिए ये सब धोखाधड़ी करने का मामला है, ये गिनती करने का मामला नहीं है, इसे सही तरीके से समझने की जरूरत है, इसे सही तरीके से जानने की जरूरत है। और ये जानना समझना इसलिए जरूरी है, आप लोग जो देश भर से यहाँ आए हैं, आप जान लो और अपने अपने गांव में, अपने अपने तहसील में, अपने अपने जिले में जाकर इस बात का प्रचार करो कि ये सब धोखाधड़ी करने का मामला है, ये जाति आधारित गिनती करने का मामला नहीं है, क्योंकि जाति आधारित गिनती तो उन लोगों के लिए जानलेवा मामला है, ये उनके लिए जानलेवा मामला है, क्योंकि अगर जाति आधारित गिनती करते हैं और डाटा इकट्ठा करते हैं तो आजादी का फायदा किसको हुआ, सामाजिक रूप से फायदा किसको हुआ, आर्थिक रूप से फायदा किसको हुआ, संपत्ति का संग्रहण किसके नाम पर हुआ, ये सारा का सारा डाटा इकट्ठा हो जाएगा, और ये डाटा अगर लोगों को मालूम हो जाएगा तो बहुत बड़ा संकट उनके सामने खड़ा हो जाएगा। तो अपने ही लोगों के सामने संकट खड़ा करने का काम ये लोग करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए ये काम वो कर नहीं सकते, और जो काम वो कर नहीं सकते उस पर यकीन करने की जरूरत नहीं है, यकीन करने की आवश्यकता नहीं है, और इसलिए ये बातें आप लोगों को समझाई जा रही है। दूसरी एक बात और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, उसे भी समझने की जरूरत है। आज के सत्र में दो दो पूर्णकालीन कार्यकर्ता, एक लगभग 25-30 साल से माननीय कश्यप जी जो शायद बिहार के हैं, और एक विजय कुमार रेड्डी है वो आंध्र प्रदेश से है, उन्होंने आरएसएस में काम किया और आरएसएस का उन्होंने त्याग कर दिया, और त्याग करके वो आए और उन्होंने अपना तजर्बा, अपना अनुभव आपको शेयर किया, और उन लोगों ने आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि ये जो आरएसएस के लोग हैं ये राष्ट्रवाद के चोले में, जो चोला पहना हुआ है राष्ट्रवाद का, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, और इस खतरनाक लोगों से हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। ये बात भी सारे देश भर में आप लोगों के द्वारा प्रचार में लाया जाना चाहिए, और प्रचार में लाकर के लोगों को समझाया जाना चाहिए। मगर मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो ब्राह्मणों की सामाजिक व्यवस्था है ये उनका अपना एक संगठन है, उस संगठन में ब्राह्मण एक वर्ण है, और ये ब्राह्मण जो है एक वर्ण के आधार पर समस्त ब्राह्मणों का एक संगठन है, एक आरएसएस का संगठन है, एक ब्राह्मण नाम का संगठन है, जो मेरी अपनी समझदारी है ब्राह्मण नाम का जो संगठन है वो आरएसएस से भी बड़ा संगठन है। हमारे सामने एक आरएसएस दिखाई देता है और हम ऐसा मानकर चलते हैं कि आरएसएस ही बड़ा संगठन है, मगर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ब्राह्मण एक बड़ा संगठन है। ब्राह्मण के नाक पर अगर मक्खी बैठ जाए, ऐसा ब्राह्मण जो नाक पर बैठी हुई मक्खी उड़ाने लायक नहीं है वो भी आपके विरोध में षड्यंत्र में शामिल होता है। जिसकी मक्खी उड़ाने की क्षमता नहीं है वो भी आपके विरोध में षड्यंत्ररत है, षड्यंत्र में शामिल रहता है और आपके विरोध में काम करते रहता है। तो केवल आरएसएस के लोगों को, यानी आरएसएस ब्राह्मणों का एक संगठन है, उसमें और ब्राह्मणों के संगठन हो सकते हैं,
आरएसएस एक संगठन है, बेशक वो ज्यादा संगठित है, मगर ब्राह्मण अगर अकेला भी काम कर रहा है तो वो अकेला भी आपके विरोध में ही काम में लगा हुआ है। उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, मगर वो अकेला भी आपके विरोध में ही काम में लगा हुआ है। ये बात हम लोगों को समझना होगा। इसलिए मैं ज्यादातर ब्राह्मण शब्द का उपयोग करता हूं, आरएसएस का कम करता हूं, क्योंकि आरएसएस ब्राह्मणों का संगठन है। ब्राह्मणों के बारे में अगर आप जागृत हो जाओगे तो आरएसएस तो ब्राह्मणों का है, वो अपने आप उसके बारे में आप लोगों को जानकारी हो सकती है। अगर लोग ब्राह्मणों के बारे में जागृत हो जाएंगे तो आरएसएस में कोई जाएगा ही नहीं। अगर ब्राह्मण के बारे में लोग जागृत हो जाएंगे तो लोग आरएसएस में जाएंगे ही नहीं। आरएसएस के बारे में अगर आप जागृत हो जाएंगे तो आप कांग्रेस में चले जाएंगे, दूसरे किसी ब्राह्मणों के संगठन में चले जाएंगे, फिर दूसरे ही ब्राह्मण के जाल में फंस जाएंगे। बोलते आरएसएस के ब्राह्मण बदमाश है, बाकी लोग जो अच्छे, ये ब्राह्मण अच्छे। तो ये जो बात है, ये बात हम लोगों को सही तरीके से समझने की जरूरत है कि यदि आप ब्राह्मण के बारे में जागृत हो जाओ तो आप आरएसएस में नहीं जा सकते, आप ब्राह्मणों के किसी भी संगठन में जा नहीं सकते। आरएसएस एक ब्राह्मणों का संगठन है, मगर आरएसएस के अलावा जो ब्राह्मण है वो इंडिविजुअल लेवल पर व्यक्तिगत रूप से पर्सनल वो भी हमारे विरोध में ही कार्यरत रहता है। इसलिए हमको उसके गतिविधियों के बारे में भी जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कुछ लोगों की ऐसी राय रहती है, कुछ लोगों का ऐसा ओपिनियन रहता है कि सभी के सभी ब्राह्मण बुरे नहीं होते हैं। मेरा ऐसा मानना है ब्राह्मण होना ही बुरा है, ये हंसने की बात नहीं है। अगर आप हंसोगे तो जो मैं कह रहा हूं उसको गंभीरता से नहीं लोगे, हंसोगे और हा हा करके उड़ा दोगे। तो हा हा करके उड़ाना इतना सामान्य बात नहीं है। मैं कहता हूं इंसान होना जरूरी है, ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है। इंसान होना जरूरी है, ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है। तो ब्राह्मण अगर है, अब कोई कहता है कि समाजवादी है, कोई साम्यवादी है, सर्वोदयवादी है, गांधीवादी है, ओ बुरा नहीं है, अच्छा है। मैं कहता हूं ब्राह्मण होना ही गलत है, ब्राह्मण होना ही बुरा है। क्योंकि जब आप ब्राह्मण होते हैं तो फिर उसके नीचे क्षत्रिय होता है, फिर उसके नीचे वैश्य होता है, फिर उसके नीचे शूद्र होता है, फिर उसके नीचे और तमाम लोग होते हैं। जब आप ब्राह्मण को ब्राह्मण मान लेते हैं तो ऊंच नीच की व्यवस्था को मान लेते हैं। अब तो हमको ऊंच नीच की व्यवस्था ही नहीं मानना है। एक बार मेरठ में जब मैं गया था तो मौलाना सलमान नदवी साहब ने ये कहा कि ये वामन मेश्राम जैसा विद्वान आदमी अगर हमारे मुसलमानों में होता तो हम तो पता नहीं कौन सी पदवी उसको दे देते। तो मैं तो ब्राह्मणों को सिफारिश कर रहा हूं कि भाई वामन मेश्राम को शंकराचार्य बनाया जाना चाहिए। हम तो हमारे पास होता तो हम और कुछ भी बना देते। तो मैं प्रिसाइड ओवर कर रहा था तो मैंने कहा कि अगर ब्राह्मण मुझे शंकराचार्य बनाने के लिए राजी हो जाए, जैसे आप कह रहे हैं, तो मैं शंकराचार्य बनने के लिए भी तैयार नहीं। तो मैंने उनके तरफ देखा, जब ऐसा उनके चेहरे पर सवाल था, सवाल का मतलब अरे शंकराचार्य बनाने के बाद भी तुम बनने के लिए तैयार नहीं हो। तो मैंने उस सवाल का भी जवाब दिया जो चेहरे पर दिख रहा था, क्योंकि जब आप किसी कोई मुद्दा उठाओ तो चेहरे पर सवाल दिखता है। तो चेहरे पर सवाल दिखने के बाद मैंने जवाब दिया कि मैं शंकराचार्य बनने के लिए क्यों तैयार नहीं हूं, क्योंकि शंकराचार्य बनने का मतलब है ऊंच नीच को मान्यता देना। शंकराचार्य वेद को प्रमाण मानते और वेद जो है वर्ण व्यवस्था को मानते हैं। वर्ण व्यवस्था की वजह से जाति व्यवस्था पैदा हुई, जाति व्यवस्था की वजह से अस्पृश्यता पैदा हुई, आदिवासियों का सेग्रीगेशन हो गया, शूद्रत्व ओबीसी के ऊपर थोपा गया और
इतना ही नहीं तो महिलाओं को दास बनाया गया, गुलाम बनाया गया, ये सारा का सारा वो जो ऊंच नीच की व्यवस्था है उसकी वजह से बनाया गया। इसलिए मैं इसलिए शंकराचार्य नहीं बनना चाहता, क्योंकि बनने के लिए ऊंच नीच को मान्यता देना होगा, तो हम तो ऊंच नीच को मान्यता ही नहीं देते हैं, हम उसके जर्रा जर्रा हमारा उसके विरोध में। इसलिए साथियों ये बात सही संदर्भ में सही तर्क के साथ समझना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग ब्राह्मण के रेफरेंस में संदर्भ में बात करते हैं। मैं ब्राह्मण जाति का विरोधी नहीं हूं, ब्राह्मण लोग डीएनए के अनुसार विदेशी है। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछते रहते हैं कि आप ब्राह्मणों के विरोध में क्यों हो, तो मैंने कहा मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूं, तो पहले मेरे एक छोटे सवाल का जवाब दो कि गांधी जी अंग्रेजों के विरोध में क्यों थे। कहा कि अंग्रेज तो विदेशी थे इसलिए विरोधी थे। तो मैंने कहा मैं भी ब्राह्मण का इसलिए विरोधी हूं क्योंकि ब्राह्मण भी विदेशी है। अगर गांधी जी अंग्रेजों का विरोधी थे और गलत नहीं थे तो मैं भी ब्राह्मण का विरोध करता हूं, तो मैं कैसे गलत हूं? अगर मैं गलत हूं तो फिर गांधी जी भी गलत हो जाएंगे, और आप लोग मानते हैं गांधी जी गलत नहीं है तो मैं भी गलत नहीं हूं, तो आप कैसे कह रहे हैं? तो लोग मुझे पूछते रहते हैं कि आप ब्राह्मण का विरोध क्यों करते हैं। मैं ब्राह्मण जाति का विरोध नहीं करता हूं, ब्राह्मण का डीएनए विदेशी है, वो विदेशी है, भारत पर उनको राज करने का अधिकार नहीं है। अगर मैंने ये अभियान नहीं चलाया होता, पिछले 20 साल से मैं ये अभियान चला रहा हूं कि मैं हम लोग ब्राह्मण के विरोधी हैं, ब्राह्मण डीएनए के अनुसार विदेशी है, अगर मैंने ये अभियान नहीं चलाया होता तो मनमोहन सिंह गैर ब्राह्मण प्रधानमंत्री नहीं बनता, वो मेरी वजह से बन गया। एक बार भी उसने मुझे धन्यवाद नहीं कहा, और मैं धन्यवाद नहीं कहा कोई बात नहीं है, सोशल वर्क जो थैंकलेस जॉब, ये सारा थैंकलेस काम है, और उसने मेरा थैंक यू नहीं कहा होगा, ठीक है। मेरी वजह से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया, क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनाने की बड़ी वजह मानता हूं कि सारे देश भर में ओबीसी की जाति आधारित गिनती का हमले बहुत बड़ा अभियान शुरू कर दिया था। इस अभियान को काउंटर करने के लिए ब्राह्मणों को, आरएसएस को, एक ओबीसी के आदमी को देश का प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। एक आदमी को प्रधानमंत्री बनाया और 52% ओबीसी की जाति आधारित गिनती को काउंटर कर दिया। वो तो हमारा जो अभियान था उस अभियान को काउंटर करने के लिए उनको प्रधानमंत्री बनाया। तो नरेंद्र मोदी को भी, यानी मनमोहन सिंह गैर ब्राह्मण, नरेंद्र मोदी गैर ब्राह्मण, तो ये हमारी वजह से उन लोगों को ये करना पड़ता है। साथियों ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको ये समझना होगा कि हम जो देश भर में अभियान चला रहे हैं, हम जो देश भर में जागरण चला रहे हैं, उसका इस देश पर नियंत्रण करने वाले लोगों के रणनीति पर परिणाम हो रहा है। उनको हमारा कॉग्निजेंस लेना पड़ता है, हमारा नोंद लेना पड़ता है, इतना हमारा प्रभाव बढ़ गया है। अगर आप इसी तरह से काम को और ज्यादा तेजी से बढ़ाने का काम करो तो आने वाले 10 साल में ये जो ब्राह्मणों का मामला है, मैं आपको एफिडेविट पर कह सकता हूं कि अगर आप जिस तरह से बातें हम आपको कह रहे हैं वो बातें, उसको हम सिद्ध कर सकते हैं, ब्राह्मणों का मामला रफा दफा कर सकते हैं 10 साल में। जैसी बातें आपको कही जाती है अगर अमल करो तो 10 साल में ब्राह्मणों का मामला रफा दफा हो जाए, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो अभी मैंने 10 साल की बात आपको कही, तो इसको समझने के लिए आप लोगों को चाय पीना जरूरी है, इसलिए मैं ब्रेक कर रहा हूं। धन्यवाद। धन्यवाद वामन मिश्रम साहब। चाय अवकाश के बाद एनटी डीएनटी वीजेएनटी जाति समूह को ओबीसी के लिस्ट में डालकर अन्याय करना शासक जातियों का षड्यंत्र है, एक बहस। अर्थात एनटी डीएनटी वीजेएनटी की स्वतंत्र सूची ना बनाना उनके साथ अन्याय करना है, एक बहस। अथवा
घुमंतु जातियों का राष्ट्रीय स्तर का संगठन ना होना और सही नेतृत्व का अभाव ही घुमंतु जातियों की मूल समस्या है। एक बहस नेशनल कॉरिडोर के नाम पर आदिवासियों को एक किसानों को जल जंगल जमीन से बेदखल कर विस्थापित करना शासक जाति का एक भयानक षड्यंत्र है। एक बहस भूमि अधिग्रहण बिल में CNT और SPT एक्ट में संशोधन करना यह आदिवासी और किसानों को जल जंगल जमीन से वंचित और विस्थापित करने का ब्राह्मणिक षड्यंत्र है। एक गंभीर बहस ईसाई से ज़्यादा हिंदू धर्म ब्रैकेट में ब्राह्मणी धर्म में हुआ धर्मांतर एक गंभीर चर्चा निकालते हैं। इस सत्र के सम्माननीय वक्तागण है माननीय करतार चंद मच्छाल हरियाणा, माननीय उमानाथ कोल अखिल भारतीय कोल जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय SP सिंह दिल्ली, माननीय गणेश भारती बिहार, माननीय